कार्तिक मास की शुरुआत अक्टूबर नवंबर महीने से होती है। इस समय शिशिर ऋतु होता है, ठंडे दिन की शुरुआत होती है, इसलिए दिन छोटा और रात बड़ी होती है। कार्तिक एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा का काफी महत्व है। कार्तिक एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। जागते ही वह शुभ कार्य के लिए शुभ आशीर्वाद देते हैं। लोग भगवान शिव, तुलसी माता और माता लक्ष्मी जी की आराधना, व्रत एवं पूजा करके आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही ध्यान साधना करके लोग सुख शांति, मानसिक समाधान, समृद्ध पूर्ण जीवन जीने के लिए पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। स्नान करके वह आशीर्वाद लेते हैं। गंगा नदी के जल में कुछ औषधि गुणधर्म पाए जाते हैं, जिससे लाभ होता है। इसके साथ ही कुछ लोग गिरनार परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा करके कार्तिक पूर्णिमा का लाभ लेते हैं। कार्तिक मास और गिरनार परिक्रमा का वैज्ञानिक महत्व ध्यान गुरु रघुनाथ गुरु जी ने हमें बताया है। आज हम अध्यात्म और विज्ञान की खोज में कार्तिक मास में गंगा स्नान और गिरनार परिक्रमा का महत्व बताने जा रहे। इस कार्तिक मास में अक्टूबर नवंबर में शिशिर ऋतु के साथ ठंडे मौसम की शुरुआत होती है, जिस ठंडे मौसम के वजह से वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल्स की घनता बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लॉ के अनुसार जब वातावरण के टेम्परेचर कम होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती है, घनता बढ़ती है वातावरण में। इस ऑक्सीजन से हमें बहुत अधिक लाभ होता है और अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही जो हाई डेंसिटी ऑक्सीजन जो है वो जब पानी में मिक्स होता है तब डिजोल ऑक्सीजन बनती है और उसकी अधिक मात्रा इस ठंडी के मौसम में हमें पानी में मिलता है। इस डिजोल ऑक्सीजन के साथ जब हम स्नान करते हैं, गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इस गंगा स्नान के समय हमारा शरीर शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, निरोगी जीवन के लिए, स्वस्थ बालों के लिए, त्वचा के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए इसका बहुत ही लाभ होता है। इसलिए गंगा स्नान और गिरनार परिक्रमा, ये दोनों के वजह से हमारे जीवन में ऊर्जावान, निरोगी, रोग प्रतिकार शक्ति, मानसिक शांति, शरीर स्वस्थ निरोगी के लिए ऐसे कई लाभ हमें इस कार्तिक मास में मिलता है। उसके साथ ही भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद, गिरनार के 33 कोटि भगवान का आशीर्वाद, ये सभी का, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलके हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने से हमें प्राप्त होता है। इसलिए मेरा निवेदन है इस जानकारी को, इस संशोधन को और ज्यादा बढ़ा के इस गंगा स्नान और गिरनार परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा का संशोधन करके इसका सबसे ज्यादा लाभ सभी को मिले, ऐसा मेरा निवेदन है। और हम सब लोग को इस कार्तिक मास के दिन को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले निरोगी जीवन के लिए। हरिओम।